सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग बेस मेथड का सेकंड पार्ट लाए हैं। सो पहली वाली पार्ट में हमने बात किया कि अगर कोई नंबर 100 से ज़्यादा है और अगर कोई नंबर 100 से कम है तब हम बेस मेथड कैसे लगाएंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अगर कोई नंबर 100 से बड़ा है और एक नंबर 100 से छोटा है और आपको मल्टीप्लिकेशन करने दिया है तो आप बेस मेथड कैसे लगाएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये बेस मेथड का पार्ट टू है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने पहली वाली बेस मेथड का वीडियो देखा है और ए वाला भी आपने देखा है तो आप लोगों को बेस मेथड से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हिलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला जो एग्जाम्पल है जल्दी से देख लेते हैं। 112 इंटू 93 हम लोगों को बोला गया है। 112 93 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। 112 100 से कितना दूर है? 12 दूर है। 93 100 से तुम कितना घटाओगे कि तुम्हें 93 मिलेगा? -7, राइट। जैसे करके मैंने पहले वीडियो में भी किया था, हमने 100 से हमारे नंबर का डिस्टेंस निकाला। अब इन दोनों का गुना करूँगा, कितना आएगा? -84। -84 हो गया मेरा राइट हैंडेड पार्ट। ओके, लेफ्ट हैंडेड पार्ट में 105 मैंने कैसे निकाला? जैसे करके मैंने पहले वीडियो पे बताया था कि ए वाले डिजिट को आप यहाँ पर ला सकते हैं, मतलब 112 से -7 का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और 12 के साथ 93 का एडिशन भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ओके, बट जो भी करेंगे वो डायगोनली होगा, डायगोनली। ओके, 105 आ गया, -84 आ गया, राइट। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि राइट हैंडेड पार्ट में जो भी है वो लेफ्ट हैंडेड पार्ट में चला जाएगा अगर वो दो डिजिट का है। ओके, अगर तीन डिजिट का हुआ तो ए वाला जो नंबर है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पर फिलहाल के लिए एक बात समझो कि मैंने उस वीडियो पे और एक चीज़ बोला था, अगर मैं भूल गया देन सॉरी फॉर दैट, इस वीडियो पे सुन लो कि राइट हैंडेड पार्ट से दो डिजिट लेफ्ट हैंडेड पार्ट में जा सकता है, मैंने बोला था, जिससे हमारा एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। पर राइट हैंडेड पार्ट में सब समय पॉजिटिव नंबर होगा। ओके, यहाँ पर तो नेगेटिव नंबर है, अब क्या करें? अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एक चीज़ याद रखना कि लेफ्ट हैंडेड पार्ट जो है वो हमारा बहुत बड़ा आदमी है। ओके, उसके पास जो नंबर है ना, सपोज इन दैट केस 105 है, वो उसके पास असल में 105 नहीं है। ओके, ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, अगर पकड़ पाए तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसके पास क्या है? 105 100 रुपये का नोट है। ओके, लेफ्ट हैंडेड पार्ट के पास क्या है? 105 100 रुपये का नोट है, तुम ऐसे समझो। ओके, राइट हैंडेड पार्ट हमारा गरीब आदमी है, उसके ऊपर से वो अब कर्ज में डूबा हुआ है, तो वो लेफ्ट हैंडेड पार्ट को बोलता है, भाई तू मुझे मेरे इस प्रॉब्लम से बचा। तो लेफ्ट हैंडेड पार्ट उसे बोलता है कि भाई देख, मेरे पास तो 105 100 रुपये का नोट है, तो मैं तुम्हें 100 रुपये का नोट दे दे रहा हूँ, उससे तुम अपना काम चला लो। तो राइट हैंडेड पार्ट तो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसका तो सिर्फ 84 रुपये का कर्ज था, इसने तो 100 रुपये दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे? 105 जो 100 रुपये का नोट लेफ्ट हैंडेड पार्ट के पास था उससे एक राइट हैंडेड पार्ट को दे देंगे। ओके, एंड 100 से 84 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना आया? 16। ये 16 तो एकदम पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। इसको तो हम आराम से लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हम लिखेंगे 104। क्यों लिखे समझ में आया? क्योंकि राइट हैंडेड पार्ट को तो लेफ्ट हैंडेड पार्ट ने ऑलरेडी 100 रुपये दे दिया था ना, इसके लिए उसके पास अब 104 100 रुपये का नोट बचा हुआ है। ओके, एंड एज ए रिजल्ट अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10416। क्लियर हुआ बात? मैं अब आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ से रिवाइंड करके और एक बार देखिए, जिससे आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, 107
100 से कितना दूर है? प्लस 7। 92 100 से कितना दूर है? माइनस 8। राइट, इन दोनों का गुना किया माइनस 56, एंड इस माइनस 8 को यहाँ पर ले आए, सो 160 से जब माइनस 8 सब्ट्रैक्ट होगा 99 आएगा। राइट, सो लेफ्ट हैंडेड पार्ट में 99 है, राइट हैंडेड पार्ट में माइनस 56 है। ये बेचारा तो फिर से कर्ज में डूबा हुआ है। सो लेफ्ट हैंडेड पार्ट बोलता है, तू चिंता मत कर, मेरे पास 99 100 रुपये का नोट है, मैं उससे तुमको 1 दे रहा हूँ, तो उससे अपना काम चला ले। सो राइट हैंडेड पार्ट तो खुश हो गया कि चलो मेरा कर्ज चुकता हो गया। सो 100 से अगर मैंने 56 घटाया, मेरे पास आया 44, और इसके पास कितना रह गया? इसने तो 100 रुपये का नोट राइट हैंडेड पार्ट को दे दिया था, तो इसके पास जो रह गया वो है 98 100 रुपये का नोट। ओके, सो 98 44 का आपस में जुड़ दो, 98 44 विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ? चलो, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, अगर आपने ए वाले मल्टीप्लिकेशन को पकड़ लिया तो ए वाला पॉइंट ख़त्म। सो 109 100 से कितना दूर है? प्लस 9। 87 100 से कितना दूर है? माइनस 13। सो मैं इन दोनों का गुना करूँगा, कितना आएगा? माइनस 117। राइट, अब माइनस 13 को तुम यहाँ पर ले आओ, माइनस 13 से, सॉरी 109 से अगर तुम 13 घटाओगे कितना आएगा? 109 से पहले एक काम करो, 10 घटा दो, 10 घटा दो, 99 आएगा, 99 से उसके बाद 3 घटा दो, 96 आएगा। सो अब जो सिचुएशन है ना, अगर आपने इसको ध्यान से देखा है तो क्या सिचुएशन चल रहा है, मैं आपको बोलूँ। लेफ्ट हैंडेड पार्ट ने, जिसके पास 96 100 रुपये का नोट है, राइट हैंडेड पार्ट को बोला, रुक मैं पहले 100 रुपये दे रहा हूँ। सो 100 रुपये देने के बाद देखा गया कि माइनस 17 रुपये का कर्ज राइट हैंडेड पार्ट के पास अभी भी बचा हुआ है। अंडर सच सरकमस्टेंस लेफ्ट हैंडेड पास के पास किंतु अब सिर्फ 95 रुपये का कर्ज, सॉरी थोड़ा घट गया चीज़, 96 100 रुपये का नोट लेफ्ट हैंडेड पार्ट के पास था, उससे उसमें से उसने 100 रुपये का नोट राइट हैंडेड पार्ट को दिया अपना कर्ज चुकता करने के लिए। राइट, नाउ उसके पास है 95 100 रुपये का नोट, एंड इसके पास अभी भी थोड़ा कर्ज बचा हुआ है, तो लेफ्ट हैंडेड पार्ट ने बोला, फिर से मैं तुझे दे रहा हूँ, अब तू अपना बात बना ले। सो अब उसका बात बन गया। सो यहाँ पर तो 83 आएगा, यूनिट डिजिट पे 3 एंड टेंस डिजिट पे 8, उसके बाद क्या आएगा? 95 आएगा? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर तो दो बार लेफ्ट हैंडेड पार्ट ने हेल्प किया, सो 94 आएगा। ओके, ऐसे करके मान लो कि अगर यहाँ पर माइनस 227 होता, यहाँ पर मान लो, तो 96 से तुम घटा के कितना लिखते? पहले लिखते 100, सो माइनस 127 का कर्ज फिर भी रह गया है, उसके बाद फिर से, सो फिर भी माइनस 27 रह रहा है, इसका मतलब तुमको लिखना होता 93, उसके बाद टेंस और यूनिट डिजिट में जो भी हो कोई मतलब नहीं। इसका मतलब जितना बार तुम लेफ्ट हैंडेड पार्ट से राइट हैंडेड पार्ट को 100 रुपये दोगे, उतना नंबर ही, सपोज तुमने 3 बार दिया, सो तुमको लेफ्ट हैंडेड पार्ट से 3 घटाना पड़ेगा, जो आएगा उसके साथ राइट हैंडेड पार्ट जोड़कर तुम्हें तुम्हारा नंबर मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ द आइडिया। क्लियर हुआ अब? पक्की बात? चलो, और एक टाइप का चीज़ मैं आपको सिखा देना चाहूँगा, जिससे आप लोगों को बेस मेथड और भी अच्छे से समझ में आएगा। दैट इज़, मान लो, चलो मैं, हमने 100 के पास पास वाले जो नंबर है उन लोगों का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत अच्छे से सीख लिया, पर मान लो तुम्हें 2 नंबर दिया गया जो 200 के पास पास है, तो अब क्या करोगे? बैठे रहोगे चुपचाप? नहीं ना। सो क्या करोगे? देखो बहुत ध्यान से, तुम 200 को ही अपना बेस वैल्यू मान के चलोगे। सो मैं यहाँ से कितना दूर जाने की कोशिश करूँगा, मैं देखूँगा 213 200 से कितना दूर है, प्लस 13 दूर है, एंड 208 200 से कितना दूर है, प्लस 8 दूर है ना। नाउ अब क्या करोगे? जैसा मैंने
पहले वाले वीडियो पे सिखाया था, 13 × 8 कर दोगे 104 आएगा, ये तुम्हारा राइट हैंडेड पार्ट है। ओके, अब क्या करोगे, अब डायगोनली 213 से 8 का एडिशन 221 आ गया। अब क्या करोगे तुम, अगर मैं 100 बेस वैल्यू का प्रोसेस करूँ तो आएगा 222। सो यही का तुम्हारा आंसर है कि यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। सो यही का तुम्हारा आंसर है, अगर तुमने ऐसे आंसर को छोड़ा है तो तुमको 0 मिलेगा। ओके, मैंने भी यहाँ पर काट दिया है, राइट। सो तुम्हें क्या करना होगा, बहुत ध्यान से देखो, 221 के साथ 2 गुना करो, कितना आएगा 442। यहाँ पर 104 अपनी तरह पड़ा है, अब इस एक को इस दो को दे दो 44304। अब तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने डायगोनली एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो भी है, यहाँ पर एडिशन है, थोड़ी देर बाद मैं सब्सट्रैक्शन का भी केस दिखाऊंगा। सो जो भी है उसको किया, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ पर बेस मेथड को 200 मान के चल रहा हूँ। अगर मैंने 500 माना होता तो इन दोनों का गुना करने के बाद यहाँ पर 5 से मल्टीप्लिकेशन होता। 500 भी मान सकते हैं जब 513 एंड 508 का मल्टीप्लिकेशन तुम्हें दिया जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। सो ये तो गलत है। ओके, सो मैंने यहाँ पर कर दिया है सही वाला जो होगा। नाउ हम बेस मेथड सीख रहे थे मेनली स्क्वायर निकालने के लिए, तो चलो देख लेते हैं 200 के ऊपर और 200 के नीचे वाले नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। यहाँ पर फिलहाल के लिए हम ग्रेटर देन 200 देख रहे हैं, सो 222 का स्क्वायर। सो 222 200 से कितना दूर है, जल्दी मुझे बताओ, 22। सो एक काम करो, इस 22 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 484। इसमें से 84 पकड़ोगे, 84 को तुम रखोगे एंड 4 को कैरी फॉरवर्ड करोगे, राइट। नाउ अब क्या होता था कि 222 के साथ हमको 22 को एडिशन करना पड़ता, कितना आएगा 244। सो अब क्या करोगे, 244 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे 488। याद है ना, तुमने 4 को कैरी माना था, सो 4 के साथ इसका एडिशन कर दो 49284। क्लियर हुआ, पक्की ना। एक बार और एक बार देख लो, देखो 222 200 से कितना दूर है, प्लस 22, प्लस 22 का स्क्वायर अगर तुमने किया क्या आएगा 484। 84 को तुमने रखा और 4 को कैरी मान लिया। ओके, नाउ 222 के साथ 22 का तुमने एडिशन किया, जैसा हमने यहाँ पर डायगोनली किया था, यहाँ पर हमने डायगोनली किया था, राइट। नाउ इस 244 के साथ 2 गुना कर दो, कितना आएगा 488। तुम्हारे पास 4 कैरी था, अब 4 को जोड़ दो, 49284 विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ, अब पूरा बात क्लियर है। चलो सो वैसे करके बोथ नंबर्स अगर 200 से छोटा हुआ तो क्या होगा, बहुत अच्छे से देख लो। सो माइनस 197 200 से कितना दूर है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 200 से मैं कितना घटाऊंगा कि मुझे 197 मिलेगा, माइनस 3 घटाऊंगा। 189 में से 200 में से मैं कितना घटाऊंगा कि मुझे 189 मिलेगा, माइनस 11, राइट। सो राइट हैंडेड पार्ट में क्या होगा, माइनस 3 एंड माइनस 11 का गुना 33। नाउ माइनस 11 को डायगोनली यहाँ पर ले आओ, सो 197 से तुम्हें 11 घटाना है, कितना आएगा 186। सो ये क्या तुम्हारा आंसर होगा 18633, एकदम नहीं, क्योंकि 186 के साथ तुमको 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, 6 2 12, 8 2 16, 17, 2 1 2 372, 37233 विल बी योर आंसर। ओके, क्लियर हुआ। सिमिलरली 187 को अगर तुमने पकड़ा, सो 187 200 से अगर तुमने 13 घटाया तो तुम्हें 187 मिलेगा। सो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 69 तुमने रखा, 1 को कैरी फॉरवर्ड किया। नाउ अब क्या, 187 के साथ 13 को घटाओ, यहाँ पर घटाना पड़ेगा, सो कितना आएगा 471 आएगा ना। सो अब 471, हाँ मैंने तो सही बोला, उल्टे तरह से मैंने बोला,
एक्चुअली जो नंबर आया है 187 के साथ 13 का सब्ट्रैक्शन करके वो है 174। ओके ना 174 के साथ दो गुना कर दो, 4 2 8 7 2 4 2 1 3, राइट 348 और तुम्हारा 1 कैरी था, तो 34969। क्लियर हुआ बात? सो ये था आज का वीडियो जहाँ पर हमने बेस मेथड को बहुत अच्छे से सीखा। सो मैं फिर से आपको और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो और एक बार मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। सो 200 से 187 कितना दूर है? 13 दूर है ना। इस 13 का स्क्वायर कर दो, एक काम करो तुम 13 का स्क्वायर कर दो, 169 आएगा। 69 को तुमने रख दिया एंड 1 को कैरी पकड़ लिया। ओके अब 187 से 13 घटाना पड़ेगा। तुमने 200 से 13 घटाने के बाद तुम्हें 187 मिला, तो 187 से भी 13 घटा दो, तो कितना आएगा 471। अब इसका दो गुना कर दो क्योंकि तुमने 200 को बेस वैल्यू माना है, सो 348। फिर भी तुम्हारे पास 1 कैरी था, सो 34969 विल बी योर आंसर। ओके अब आशा करूँगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, और अगर हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। इस हफ्ते मैं और एक क्वांट का वीडियो ले आऊँगा जहाँ पर हम लोग फार्मूला मेथड से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ओके सो फिलहाल के लिए आज आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो पर।